हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। तो जैसा कि आप पीछे का व्यू देख रहे हो, आज ना हमें थोड़ा सा काम था तो हम वहाँ पे आए थे, और यहाँ का ना व्यू इतना अच्छा है, तो मतलब हमारे वहाँ मतलब गाँव से तो यहाँ का प्लेस इतना अच्छा है कि देखने का और यहाँ पर घूमने का ना काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो देखिए ज़रा पीछे, इतनी मतलब यहाँ पे जंगल है और इसके जो पेड़ जो इतने बड़े बड़े हैं, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए, और ये हमारे पतिदेव जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अभी इन्होंने बोला कि यहाँ पे तू थोड़ी सा ब्लॉग बना ले, तो यहीं पर ही हम थोड़ा देर रुक के बातें करेंगे और मैं आपके साथ भी बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, इतना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का भी, मतलब हम मन कर रहे हैं कि थोड़ी देर हम यहीं पर ही रुक जाएँ। और ये देखिए, लोगों ने जो मतलब यहाँ पर चावल जो थे ना, मतलब जो क्या बोलते हैं अभी, मतलब चावल मतलब धानों का जो काम हो जाता है, तो ये गाय के लिए ना यहाँ पर घास का बड़ा जो है वो यहाँ पर इन्होंने ढेर लगा दिया है। हम इसको बोलते हैं प्राल, प्राल का मतलब इन्होंने बड़ा सारा ढेर लगा दिया है। और लोगों का जो है ना यहाँ पर सारे के सारे खेत जो है ना, वो देखिए खाली हो चुके हैं। और जो मैं आपको कल बता रही थी ना कि हम परसों सैलडू लेके आए थे, तो मैं आपको वो बताऊंगी कि मतलब सैलडू कहाँ पर होता है और कैसी कैसी जगह पर जो होता है। और क्योंकि वायदे में ये जो होता है ना, जैसे जो चंगर इलाका होता है, जहाँ पर जो मतलब पानी पूनी की कमी होती है ना चंगर, वहाँ पर जो होता है वो सैलडू वाला घास ज़्यादा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सैलडू वाला जो घास है ना, यहाँ पर लोगों का काटने के लिए बच चुका है। तो देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने, मतलब मैं जूम करके बताती हूँ, ये देखिए सैलडू वाला जो घास होता है ना, वो इन मतलब खेतों में लगता है। ये देखिए, लोग जो है ना यहाँ पर काट रहे हैं इस घास को, ये देखिए। और अभी तक इन्होंने ना, जैसे ये पोर्शन जो यहाँ पे खाली है, यहाँ का घास काट के मतलब फ्री हो चुके हैं। और अभी जो ये देखिए, इतने इतने मतलब हम बोलते हैं ना इनको, क्या बोलते हैं, खलैतड़ू बोलते हैं इनको हम अपनी भाषा में, लेकिन बाहर जो होते हैं इनको खेत बोलते हैं। वैसे हम इसको ना खेत नहीं बोल सकते हैं, खलैतड़ू ही बोलते हैं। ये देखिए, और तो ये देखिए प्रिशु जो है ना यहाँ पे मस्ती कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे ना घूमे ही जा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मम्मा यहाँ पर घूमने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो कभी ये एक पत्थर के ऊपर चढ़ रहा है, तो कभी दूसरे के ऊपर जा रहा है। ये देखिए, और ये है ना मतलब यहाँ पर गाड़ी के लिए जो है ना, ओ ये देखिए डोगी आके यहाँ पे खड़ा हो गया पीछे, देख डोगी खड़ा हो गाड़ी के पीछे, ये देख कहाँ गया, चो ये देख डोगी, ये देखिए डॉगी कितना सुंदर है। मैं तो इनके साथ बोल रही थी कि यहाँ पर डॉगी का छोटा सा बच्चा मिलेगा तो हम अपने घर को ले चलेंगे। ये देखिए, मेरे को ना कुत्तों का डर भी ज़्यादा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मतलब जहाँ पर रुकेंगे तो मैं वहाँ का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। चलो प्रिसी, चलो बच्चे, चलो बैठो गाड़ी में, ठंडू लग रही है। और यहाँ पर ना इतना मतलब ठंड लग रही है और हवा इतनी चली हुई है ना, हाई कि बाहर निकलने के मैं ना मतलब कम कम पीसी लग रही है। और देखिए, मौसम इतना गंदा हो चुका है आज, बिल्कुल काला, ये देखिए बिल्कुल काला है यहाँ का मौसम। मतलब यहाँ पर तो हो सकता है थोड़ी देर में बारिश पड़ जाए। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ फिर से बात करती हूँ। जब हम घर में पहुंच गए ना, हम एक्चुअली ना वहाँ से जब वापस आए थे तो हम अपने मायके में चले गए थे, मतलब मैं तो ये वहाँ का ही मैंने शूट किया था थोड़ा सा। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, क्योंकि तूफान काफ़ी ज़ोर से चला हुआ था। तो ये मेरी बेटी ने ब्लॉग बनाया है, वही बना रही थी इसको। और देखो ना बच्चे, कैमरा कितना हिलाते हैं, क्योंकि एक जगह मैंने इसको बोला था कि अच्छी तरह से बनाना, क्योंकि जब मैं घर में पहुँची थी ना
तो मतलब हमें काफ़ी ठंड लग रही थी, इसलिए उसने ही ये शूट किया है। तो इतनी ज़ोरों से ये मतलब तूफान चला हुआ था कि बाहर मतलब मैं तो इनसे बोल रही थी खड़े हुए तो कहीं हम इसी मतलब हवा में ना उड़ ना जाए, तो काफ़ी ज़ोरों से तूफान चला हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब आज के मौसम का हाल अगर आप देखना चाहो तो आप खुद अपनी आँखों से इस टाइम देख सकते हो, बहुत गंदा बना हुआ था। और दूसरे टाइम मतलब ना पूरा दिन मतलब हवा ऐसे ही चली हुई थी, बारिश से थोड़ी थोड़ी ही हुई थी और मौसम इतना मतलब काला हुआ था कि ऐसे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, ये देखिए। और पूरे ना मतलब पेड़ इधर उधर इतने झूल रहे थे कि पेड़ों को देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इतने लंबे लंबे, अगर तभी तो बोलते हैं ना कि टाइम टू टाइम कटिंग करनी चाहिए इन पेड़ों की। भाई राम, देखिए देखिए कितना ज़ोरों से, इतना तूफान ही बहुत ज़ोरों से चला हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग ना आज यहीं पर ही करूँगी और कल फिर ना आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग को लेकर के कुछ नया दिखाऊँगी। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखो और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। Just